विधानसभा चुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में अपनी वापसी की हो, लेकिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भूमिका को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। उसी क्रम में दिल्ली से बुलावा आने पर पूर्व सीएम शिवराज ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि पूर्व सीएम शिवराज को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। सेवा ही संकल्प है, पार्टी जहां बोलेगी वहां काम करूंगा, बोले शिवराज। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के बुलावे पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जल्द ही शिवराज सिंह चौहान की पार्टी में भूमिका तय हो सकती है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आज भेंट करने आया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनके नेतृत्व में हम काम करते हैं, वो मार्गदर्शक भी हैं और मेरे मित्र भी हैं, क्योंकि युवा मोर्चे में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मैं राष्ट्रीय महामंत्री था। लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया है। उनके साथ अगले काम के बारे में भी उन्होंने मुझसे चर्चा की है। एक तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने पहले कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम मेरे लिए मिशन है, राष्ट्र की सेवा का, जनता की सेवा का। और जब आप मिशन में काम करते हैं तो आप ये तय नहीं करते कि आप क्या करेंगे, मिशन तय करता है कि आप क्या करेंगे। तो वे मेरे लिए काम तय करेंगे। फिलहाल मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरे कार्यक्रम बनेंगे, उनमें मैं जाऊंगा ही, और बाकी अध्यक्ष जी जैसा तय करेंगे। सर, ये भी कहा जा जिस भी भूमिका में वो रखेंगे, तो मैं कहाँ रहूँ ये कभी नहीं सोचता। मैं अपनी पार्टी के माध्यम से देश की सेवा कैसे कर पाऊँ, और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मिशन को कैसे आगे बढ़ा पाऊँ, उसी काम में मैं निरंतर लगा रहूंगा। वही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि सेवा ही संकल्प है, पार्टी जहां बोलेगी वहां काम करूंगा, कहीं भी काम करने को तैयार हूं, राज्य हो या केंद्र, जहां भी पार्टी बोलेगी वहां काम कर लूंगा। भाई बहन के सवाल पर शिवराज ने कहा कि भाई बहन का प्यार अलग है, उसका किसी पद से कोई लेना देना नहीं है। एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। जो पार्टी तय करेगी हम राज्य में भी रहेंगे, केंद्र में भी रहेंगे। आप कहाँ बेहतर कर पाएंगे, आपको क्या लगता है? मैं मेरे बारे में सोचते नहीं। देखो, जो अपने बारे में सोचता है वो अच्छा इंसान नहीं होता। अगर आप एक बड़े मिशन के लिए काम करते हो तो पार्टी तय करती है आप कहाँ काम करोगे। नहीं, बहन और भाई का प्यार अमर है, उसका किसी पद से कोई संबंध नहीं। बहरहाल अब देखना होगा कि दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पार्टी में क्या नई जिम्मेदारी मिलती है और कयासों का बाजार कब तक शांत होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, दिल्ली।